देश में स्वास्थ्य मुसीबत ने लोगों की परेशानी में काफी इजाफा किया है। पूर्णबंदी तो गरीब तबके के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनती नजर आई। इस दौर में जनता सरकार से मदद की गुहार लगा रही है, जिसके चलते आज सभी की नजरें टिकी थी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पर। यहां सरकार ने आज कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। तो मोदी कैबिनेट से किन फैसलों को मिली हरी झंडी, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में स्वास्थ्य मुसीबत के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज सरकार कई बड़े फैसले को हरी झंडी दिखा सकती है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा, 5 महीने मुफ्त अनाज, प्रवासी मजदूरों को किराए पर घर, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में 12,750 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर बैठक में फैसले लिए गए। जावड़ेकर ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले 3 महीने में 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त मिला है। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पिछले दिनों पीएम मोदी ने इसका विस्तार करने की घोषणा की। आज मंत्रिमंडल ने उसको लागू किया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये योजना लागू रहेगी, जिसमें एक व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना का खर्च 1,49,000 करोड़ रुपए है। जावड़ेकर ने कहा, सरकार ने एक और योजना का विस्तार किया है जो छोटे व्यवसाय हैं, जहां 100 से भी कम कर्मचारी हैं और उनमें से 90% लोग 15,000 से कम सैलरी वाले हैं। ऐसे कर्मचारियों का हर महीने 12% PF जाता है, उसे सरकार ने भरा। 3,66,000 उद्योगों को इसका फायदा मिला। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 107 शहरों में 1,08,000 छोटे मकान बनकर तैयार हैं। इन मकानों को प्रवासी कामगारों को किराए पर देने का सरकार ने फैसला लिया है। देश में 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं। सरकार इसमें 12,750 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यानी सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में 4 बड़े फैसले किए, लेकिन अब देखना है कि इन फैसलों का लाभ जनता तक पहुंच पाता है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।